अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट वकास और आप देख रहे हैं शाहीन एकेडमी। और आज की वीडियो में हम लोग जो है फाइवर के ऊपर एक मैं आपको लाइव चैट दिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप क्लाइंट के साथ बात कर सकते हैं, किस तरह से उसको एग्री करना है कि आप लोग जो है इस प्रोजेक्ट के लिए, मतलब आप इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं और ये प्रोजेक्ट आपको ही मिलना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि आप जो है इसके ऊपर एक लाइव चैट हमें दिखाएं कि हम लोग किस तरह से इसके ऊपर बात कर सकते हैं, और कुछ टिप्स दें जिससे हमें ये मालूम हो सके कि हम लोग जो है आंसर सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं, और आंसर हमें किस तरह से फाइंड आउट करने हैं। इंग्लिश देखें, हर किसी की अच्छी नहीं होती, मेरी खुद की भी मतलब माशाल्लाह से बस क्या कहें, बस खैर सही है, गुजारा है तो। लेकिन कुछ टिप्स हैं जो मैं जो है यूज करता हूँ और मुझसे मुझे बहुत फायदा होता है, तो आप लोगों ने वही टिप्स जो है यूज करनी है। तो मैं चले वीडियो में को शुरू कर लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने चैट करनी है एक बंदे के साथ, जो क्लाइंट हो आपके साथ काम करना चाहता हो उसके साथ आप लोगों ने किस तरह से चैट करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो एक बेल आइकॉन आएगा इस पर ऑल पर क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक करके, ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप लोगों तक बआसानी पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं जो है ब्राउज़र ओपन कर लेता हूं और ये बंदा जो है ना, ये आप लोग देख लें, पाउल 594 इसका पता नहीं किस तरह से नाम है, खैर इनके हमें नाम से क्या लेना देना है। तो इसको मैंने अभी अभी जो है चैटिंग इसके साथ ख़त्म की है, अभी अभी मैंने बात करके हटाऊँ, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बना के आपको साथ शेयर कर दूं ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से बात करनी है। ठीक है, इसने मुझे सबसे पहले मैसेज किया गिग के ऊपर कि आप पोजीशन जस्ट ओपन अप, आई एम पेइंग $70 अ वीक फॉर 50 आवर्स ऑफ वेब रिसर्च, दिस इज़ लॉन्ग टर्म, आर यू इंटरेस्टेड। ये कह रहा है कि ये लॉन्ग टर्म ये जो है काम है, $70 ये मुझे देगा 50 घंटे काम करने के। तो ये इससे कह रहा है, ये पूछ रहा है कि आर यू इंटरेस्टेड, तो मैंने इसको जनाब जवाब दिया कि येस आई एम इंटरेस्टेड। इसने फिर कुछ देर जवाब नहीं दिया, तो मैंने फिर टाइप किया कि प्लीज़ इन्फॉर्म मी हाउ कैन आई मूव फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि यही एक से दो मैसेजेस करने हैं, आप लोगों ने ये नहीं कि एक सेकंड बाद, जैसे हम लोग आमतौर पर चैटिंग करते हैं, एक जवाब नहीं आता तो फ़ौरन से दूसरा मैसेज, फ़ौरन से एक मिनट में तीन मैसेज सेंड करते हैं, तो ऐसा आप लोगों ने नहीं करना, आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। ठीक है, तो इसने फिर मुझे मैसेज किया है कि देयर आर 8 कैंडिडेट्स, आई एम लुकिंग फॉर लॉन्गेविटी विद यू, आई वॉन्ट हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट पीपल वर्क फॉर मी, कैंडिडेट फॉर द जॉब टाइटल बिट ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन यू नो अबाउट इट, आई एम ऑल्सो ह्यूज फैन ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये जो है मेन चीज़ है कम्युनिकेशन, ये कह रहा है कि मैं बहुत पसंद करता हूँ, जाहिर बात है आप लोग अगर किसी काम में, वो आगे फिर कह रहा है कि इट इफ़ यू गेट स्टॉक एंड हैव क्वेश्चन वॉट विल यू डू, प्लीज़ टेक अवर टाइम एंड आंसर थ्रूली। तो वो कह रहे हैं कि टाइम ले लो, लेकिन इसका मुझे डिटेल से जवाब दो कि अगर आप कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है या नहीं, अगर आप किसी जगह पे आप का जो है काम रुक जाता है, आप लोगों को उसका सलूशन चाहिए, आप लोग किस तरह से मुझसे बात करेंगे, आप किस तरह से मुझसे बात कर सकते हो, ये मुझे जो है क्लियर करो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इसका आंसर बड़ा ही खूबसूरत सा बना के भेजा, मैंने कोशिश की, और यही मेन क्वेश्चन होता है। ठीक है, यही जो होता है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो ये मेन क्वेश्चन होता है, मतलब इसी में आपका डिपेंड होता है कि आप सेलेक्ट किए जाओगे या नहीं। तो इसके लिए मैंने जो है गूगल पे टाइप किया व्हाई वी शुड हायर यू। ठीक है, तो इसके मुख्तलिफ डिफरेंट जो है क्वेश्चंस आए, आप लोगों ने किसी एक दो को जो है ओपन कर लेना है, इसमें आप लोगों के आंसर जो होंगे वो मौजूद होंगे। इस जो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो आप लोगों ने उसको फ़ौरन से गूगल कर लेना है, उसके जो आंसर्स हैं उसमें से किसी एक को अच्छे से एक को कॉपी कर लेना है और उसको जो है उसको फिर एडिट करके उसको सेंड कर देना। तो मुझे ये अच्छा लगा और मैंने इसको कॉपी करके इधर जो है पेस्ट कर दिया और इसमें कुछ एडिटिंग कर ली, जैसे ये थोड़ा सा पहले मैंने खुद से ऐड कर लिया, उसके बाद ये मैंने लाइन्स खुद से ऐड कर ली। आप लोगों ने सिंपल लाइन्स टाइप करनी है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, और ये आप लोग मैंने इसको फिर सेंड कर दिया। उसके बाद इसने जवाब दिया, जनाब आई मे नीड यू टू डू सम डाटा स्क्रैबिंग, मतलब ये लाइन पे आ रहा है अब। तो मैंने इसको कहा कि यस डेफिनेटली आई कैन डू, व्हेन कैन यू स्टार्ट, अब ये आ गया, इसने मतलब मान गया कि हाँ भाई इसी बंदे को मैंने सेलेक्ट करना है। तो मैंने इसको कहा कि आई कैन स्टार्ट फ्रॉम राइट नाउ,
मैं अभी से जो है इसको शुरू कर सकता हूँ। तो इसने जवाब दिया दैट विल वर्क, आई विल सेंड यू वन मोर थिंग। ठीक है, इसने फिर मुझे ये डिटेल जो है सेंड की कि ये हम लोग 9/6/2020 से शुरू कर रहे हैं और इसमें जो है $70 50 घंटे के आपको दिए जाएंगे और ये इसमें वीडियो ट्यूटोरियल्स होंगे, इन्फॉर्मेशन होगी जो मैं आपको दूंगा और ये स्प्रेडशीट्स फिल करनी होंगी। उसके बाद जनाब ये सारी चीज़ें जो है इसने मुझे डिटेल से बताई और उसके बाद मैंने कहा, इसने कहा कि अगर आप मुझसे लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं तभी आप इसको एक्सेप्ट करें, अदरवाइज एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इधर इसने आखिर में टाइप किया कि अगर आप वाकई में काम करना चाहते हैं मेरे साथ लॉन्ग टर्म तो आप लिखें कि आई एक्सेप्ट। तो मैंने इधर टाइप किया कि यस आई एक्सेप्ट। ठीक है, इसने फिर मुझे टाइप किया कि क्रिएट एन ऑफर पर और एग्रीमेंट एंड वी विल गेट स्टार्टेड, कि आप जो है हमारे एग्रीमेंट के मुताबिक एक ऑफर क्रिएट करें, $70 की हो, 50 घंटे का काम हो और उसके बाद जो है 7 दिन हो और उसके बाद जनाब हम लोग इसको ऊपर काम स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने इधर इसको एक ऑफर क्रिएट की, 50 घंटे मैंने काम लिखा, 7 डे डिलीवरी लिखी, $70 लिखे और ये रिवियंस, ये जो है रिवियंस तो फिर बाद में होते रहेंगे ना, लॉन्ग टर्म है ये काम है इसके साथ। तो ये मैंने जो है इसको ऑफर सेंड कर दी। तो उम्मीद है कि अल्लाह करेगा कि अब ये बहुत जल्द ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा और इसके बाद जनाब हम लोग इस पर काम करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का काम था और किस तरह इसने मुझसे काम लिया। तो अगर आसान हुआ तो एक दोस्त कह रहा था कि मुझे जो है प्रोजेक्ट चाहिए तो मैं उसको हायर कर लूंगा और इस तरह से ये जो है काम चलता रहेगा। तो यही इस तरह से आप लोगों ने चैटिंग करनी है कि कोशिश करनी है कि अपने वर्ड्स को सिंपल रखना है, जो पूछा जाए उसी का जवाब देना है। इसके अलावा आप लोगों ने अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप लोगों ने गूगल कर लेना है, गूगल ट्रांसलेटर का जो है यूज कर लेना है, लेकिन आप लोगों ने जवाब बिल्कुल डिटेल के साथ और अच्छे तरीके से देना है। तो यही इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अब आपको इस तरह के मतलब चैटिंग करने की समझ आ गई ना, बंदे के को डील करना अगर आपको आ गया तो मतलब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, चाहे वो अपवर्क हो, चाहे वो फाइवर हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो पीपल पर आ रहा हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो आप उस पर कामयाबी आपको इंशाल्लाह मिलेगी। तो फ्रीलांसिंग को अगर आप लोगों ने स्टार्ट किया है तो मैं कहूँगा कि आपने बहुत बेस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।